हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर की जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये एक ऐसा शहर है जिसे पहले इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता था और आज के समय में इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी का नाम है। दोस्तों ये शहर पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग के लिए फेमस हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये शहर एशिया का बिगेस्ट वेयर हाउसिंग सेंटर माना जाता है। यानी कि एशिया में सबसे ज्यादा गोडाउन इसी शहर में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत शहर भिवंडी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भिवंडी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप लोग शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं भिवंडी शहर के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य में स्थित भिवंडी शहर, यहाँ की कैपिटल मुंबई से 20 किलोमीटर और भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से 1408 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 870,000 के आसपास है, जिस वजह से ये शहर महाराष्ट्र का 13वां और भारत का 65वां सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। अगर सेक्स रेशो की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक 100 लड़कों पर 94 लड़कियाँ हैं। इस शहर के ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 56% लोग इस्लाम, 39% लोग हिंदू, 3% लोग जैनिज्म और 2% लोग अन्य धर्म को फॉलो करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा गोडाउन इसी शहर में पाए जाते हैं, जिस वजह से भिवंडी शहर को सिटी ऑफ वेयर हाउस भी कहा जाता है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट 79% है, यानी यहाँ के 79% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। दोस्तों इस शहर की गाड़ियों पर आपको MH04 नाम की नंबर प्लेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर MH04 है। भिवंडी शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मराठी और हिंदी भाषा को दिया गया है, यानी यहाँ के ज्यादातर लोग आम बोलचाल में मराठी और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर इस शहर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो इस लिस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, लॉनेट केव्स, हैंगिंग गार्डन, संजय गांधी नेशनल पार्क आदि जगह शामिल है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है, भिवंडी शहर अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोकप्रिय स्ट्रीट फूड में बड़ा पाव, पाव भाजी आदि चीजें शामिल हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।